पिता पिता क्या होते हैं, माँ क्या होती है, माँ के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि लगता है माँ ईश्वर का दूसरा रूप होती है और ईश्वर के बारे में वही कह सकता है जो ईश्वर का सच्चा बेटा होता है, वो बैठा बेटा है बैठा है। मैं मुझे लगता है पिता क्या होते हैं। एक कविता, आप मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं जिनके पिता जीवित हैं, जिनके पिता चले गए, वो अपने पिताओं को देखें, मेरे से पहले वाले पिता कैसे होते थे, वो हमें क्या सिखाते थे। कविता कुछ भी नहीं है, 1.5 मिनट की कविता है और संभवतः भूमिका भर है, मैं आपके श्री चरणों में भूमिका दे रहा हूं। पिता क्या होते हैं, 2 लाइन में मैं कहता हूं, हमारे सपनों के पीछे, आप जितने भी पिता हैं आपके भीतर एक पिता धड़केगा। 2 लाइन से मेरी कविता प्रारंभ करता हूं, हमारे सपनों के पीछे हमसे तेज दौड़ते हैं, हमसे तेज भागते हैं पिता, आंसुओं को छुपा कर रखते हैं पलकों के नीचे, गीले एहसास के साथ जिंदगी भर जागते हैं पिता। बड़े आसान मान साधना गीले में सोती है, लेकिन पिता गीले एहसास को जिंदगी में संभालता है। आइए, मेरे पिता क्या थे, वो आपके पिता क्या होते हैं, संभालना। कविता शुरू करता हूं, पिता आते थे बाहर से, एक अलग तरह का तेवर प्रयोग कर रहा हूं, मैं डर भी रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरा समय यह है कि मुझे सार्थक कविताओं का जब मंच खड़ा करता हूं तो सार्थक कविता लिखने का और कहने का साहस भी हो। पिता आते थे बाहर से तो आती थी कुछ आवाजें, पिता आते थे बाहर से तो आती थी कुछ आवाजें, उमंग की, उल्लास की, उम्मीद की, जैसे आरती महाकाल की, अजान हो ईद की। आप कमजोर तालियां मत बजाओ वरना मैं कमजोर सुनाना चालू कर दूंगा, मुझे वो भी आता है। आप वो लोग हो जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हो अच्छी कविता नहीं सुनाते लोग मंचों से, जब हम हल्की बात करते हैं तो आप हम हथेलियों पे उठा लेते हो, जब अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं आपके संस्कार आपके हथेलियों के आड़े आ जाते हैं। आप अच्छा सुनना शुरू कर दो, कवि अच्छा कहना शुरू कर देंगे, संभालना। पिता आते थे बाहर से तो उनके साथ आती थी कुछ आवाजें, उमंग की, उल्लास की, उम्मीद की, जैसे आरती महाकाल की, अजान हो ईद की। उनका आना, उनके आने से पूरे परिवार की हिम्मत हो जाती थी, उनका आना पूरे परिवार की हिम्मत बन जाता था, घर के लिए दरो दीवार और छत बन जाता था, घर के लिए दरो दीवार और छत बन जाता था, बच्चों में बच्चे हो जाते थे, बड़ों में बड़े हो जाते थे, कोई तूफान हो सीना खोल कर खड़े हो जाते थे। ना मीठी बात करते थे, ना पीते थे मीठी चाय। भैया क्या हुआ मुन्ना, हाय हाय, मोबाइल भी है तेरे पास तो आइए कोई बात नहीं, एक उम्र के बाद डायबिटीज हो जाती है, आप संभालना। क्यों ऐसा होता है, वो बीमारी नहीं होती है साहब। ना मीठी बात करते थे, ना पीते थे मीठी चाय, जानते थे मिठास के खतरे, तभी तो कड़वा बोलते थे, लेकिन सच बोलते थे, बड़े हक से दिलों का दरवाजा खोलते थे, बड़े हक से दिलों का दरवाजा खोलते थे, चश्मा लगाकर भी नहीं पढ़ पाते थे अखबार, मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर पता नहीं कैसे नजरों की चोरी और चेहरे में छुपा दर्द पढ़ लेते थे, पर पता नहीं कैसे नजरों की चोरी और चेहरे में छुपा दर्द पढ़ लेते थे, कान भी कम सुनने लगे थे, कान भी कम सुनने लगे थे, लेकिन बर्तनों के खड़कने की आवाज और सुबकती आहा सुन लेते थे। और अगली पंक्ति कविता की पंक्ति हो तो खामोश मत रहना, मुझे बल मिल जाएगा कि मैं एक अच्छी कविता लिखने के राह पर हूं। बस बड़े लोगों के अगवानी में खड़ा हूं, अपने शहर में पहली बार ऐसी कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है यहीं से मैंने इस मिट्टी से उठाकर थोड़े ठहाके बुने थे जिसे मैं दुनिया में ले गया, मैं इस मिट्टी से उठाकर थोड़ा गीलापन बटोरना चाहता हूं
और सोचता हूं इस गीलेपन से, इस आना सागर की झील के गीलेपन से दुनिया की काव्य संवेदनाओं को भिगोने की कोशिश करूं। आपका स्नेह अगली पंक्ति पर बटोरना चाहता हूं। कान भी कम सुनने लगे थे पर पता नहीं कैसे बर्तनों के टकराने की आवाज और सुबकती आह सुन लेते थे। मन के उधड़े धागों से रिश्तों की चादर बुन लेते थे। मन के उधड़े धागों से रिश्तों की चादर बुन लेते थे। नहीं यकीन करते थे साधु संत फकीरों पर, हाथ की लकीरों पर। आज तो हर तीसरा आदमी कृपा बरसाने के लिए जा रहा है। हर आदमी की अंगूठी पता नहीं चार चार है। राम के चक्कर में आसाराम आ रहे हैं। पहले के लोग ये करते ही नहीं थे साहब ये ढकोसला, लेकिन क्यों नहीं करते थे संभालना बात। नहीं यकीन करते थे साधु संत फकीरों पर, हाथ की लकीरों पर, लेकिन दरवाजे पर पांव के निशान देखकर बता सकते थे इस दहलीज की उम्र कितनी है। इस दहलीज की उम्र कितनी है, मौसमी पौधा है या बरगद जितनी है। बड़ा यकीन था अपने किरदार पर। बड़े पुराने लोग कितना यकीन करते थे, हमें अपने किरदारों पर यकीन नहीं है साहब। कहीं अदम गौड़ भी कहते हैं, चांद मेरे जहन में सूरज खिलौना हो गया, चांद मेरे जहन में सूरज खिलौना हो गया। हां मगर इस दौर में किरदार बोना हो गया। जब हमारे किरदार बोने होते हैं तब हमें पिता याद आते हैं। बड़ा यकीन था अपने किरदार पर, इतिहास को सजाते थे घर की सबसे मजबूत दीवार पर, ताकि पीढ़ियां समय को ठीक ठाक पढ़ सकें, आज की कच्ची मट्टी से पक्के कल की इमारत घड़ सकें। और अंतिम बात संभालना, क्या करते थे पिता हमारे समय के पिता, और हमें भी वही करना चाहिए, क्या करते थे, घर की पहली रोटी गाय को खिलाते थे, कुत्ते बिल्लियों को आवाज देकर बुलाते थे, सूखे दरख्तों को पानी पिलाते थे, घोंसले घरौंदों को उजड़ने से बचाते थे, घोंसले घरौंदों को। और अंतिम मुझे विदा करें, और मैं जिस काम के लिए हूं वो खड़ा हूं, लेकिन आपका स्नेह मुझे बताएगा कि मैं एक सार्थक कविता लिख पा रहा हूं या नहीं। पहली रोटी गाय को खिलाते थे, कुत्ते बिल्लियों को आवाज देकर बुलाते थे, सूखे दरख्तों को पानी पिलाते थे, घोंसले घरौंदों को उजड़ने से बचाते थे, सबका मन टटोलते थे, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी जुबान बोलते थे, बहुत जिद करते थे हमें सिखाने की, हमें ही फुर्सत नहीं थी उनसे बतियाने की। बहुत जिद करते थे हमें सिखाने की, हमें ही फुर्सत नहीं थी उनसे बतियाने की, बिना जुबान बिना भाषा अब कैसे लिखेंगे उनको खत, कैसे पढ़ेंगे उनकी वसीयत। हम गूंगे बहरे हैं कैसे मिटाएंगे अपने अंधेरे, हम गूंगे बहरे बहरे अपने बच्चों से, इसीलिए इशारों में बतिया रहे हैं, और वो हमारे सामने तीसरी दुनिया में अपनी चौथी दुनिया बसा रहे हैं। हमें पिता याद आ रहे हैं।